ये सब लोग बोल रहे हैं कि तू आई बनने वाली है, गर्दन कहीं झुका रही है। अरे हम जानते हैं कि तोरी शादी नरेन से हुई है, ये नरेन का बच्चा है। ये बच्चा शशांक का नहीं है और ना ही चल नरेन का है। तुम तो ऐसी डर गई जैसे कोई और आने वाला था। मैं ही हूं। कुछ नहीं, वो शादी में जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। अब जो हुआ जो किया वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ तुम और मैं और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। एक्चुअली गिफ्ट दिखाना है। क्या? आंखें बंद करो नरेन। प्लीज बंद करो, जस्ट अ मिनट, ऐसे ही रहना। फाइन। अच्छा अब घूमो, आंखें मत खोलना। नाउ ओपन योर आईज। You remember this? कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा। तो लाओ। क्या? रिटर्न गिफ्ट। मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं खुद ले लेता हूं। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। राम सिंह देखो कौन है।
इतनी रात को कौन हो सकता है? आप मिस्टर नरेन हैं? जी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। क्यों? तू हमारी बेटी को धोखा दिया है। ये दरोगा, दरी को। What's wrong, इंस्पेक्टर? ये मिस्टर राघव मात्रे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आपने इनकी बेटी को धोखा दिया है। कुछ महीनों पहले इनकी बेटी से आपकी शादी हुई थी, जिसको आपने छोड़ दिया है, और अब किसी और लड़की से दूसरी शादी की आपने। आप कमाल करते हैं इंस्पेक्टर, इस आदमी की कंप्लेंट पे आप कमरकर हाउस चले आए। तो क्या गलत बोला? शादी नहीं क्या मेरी बेटी के साथ? हाँ की थी, लेकिन ऐसा की थी लेकिन का लेकिन ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट शादी थी। इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग। कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो शादी खत्म। अच्छा, तलाक के कागज दिखा हमरे। क्या? हाँ बकलोल, थोड़ा कानून हमरे को भी आता है। जब तक तलाक नहीं होता ना, कोनों की शादी खारिज नहीं होती है। दिखा तलाक के कागज दिखा। लेकिन इंस्पेक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लॉयर के पास, मैं आपको भिजवा दूंगा। एक मिनट, हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं ना, ये देख, ये हमारी बेटी के साथ शादी की हुई तस्वीर, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। तो कोनो कागज की शादी ऐसी होती है का? ये ले, पढ़ तू भी, पढ़। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। वो कागज में देख क्या लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी बेटी पेट से है। और हमारी बेटी के जो पेट में बच्चा पल रहा है ना, वही आदमी का है। मिस्टर करमारकर, मिस्टर मात्रे ने अभी तक जितने भी सबूत मुझे दिए हैं वो सारे आपके खिलाफ हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज मुझे दीजिए। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे लॉयर के पास, एंड ही विल कम, सुबह आपके पास आ जाएगा, सब दिखा देगा। ठीक है, आप अपने लॉयर को कह दीजिए कि वो सारे सबूत लेके पुलिस स्टेशन आ जाए, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। प्लीज कोऑपरेट विद मी। आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। नरेन एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है, इनकी कुछ इज्जत है सोसाइटी में। आपको लगता है ये ऐसी हरकत करेंगे? देखिए, कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं, किसी की कोई रेपुटेशन या स्टेटस के हिसाब से बात नहीं की जाती है, सिर्फ जुर्म देखा जाता है। आप चलिए हमारे साथ। ओके ओके ओके, गिव मी 2 मिनट्स, मैं चेंज करके आ रहा हूं। ओके। घबराने की कोई बात नहीं है, एक्चुअली इन्हें ओवर स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी, बट शी इज फाइन नाउ। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप ये मंगवा लीजिएगा, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात की कोई टेंशन ना हो, नहीं तो इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। थैंक यू डॉक्टर। माय प्लेजर। हाँ जुबा, आपको पता है बाबा कहाँ है? मैं बताती हूँ, सोहम मामा ने। अरे धीरे से बोल, आज की तबीयत ठीक नहीं। अजूबा, सोहम मामा ने नरेन के खिलाफ कंप्लेन करी, नरेन को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। उन्होंने कहा कि नरेन ने अंकिता को धोखा दिया है। प्लीज प्लीज मुझे बताओ अंकिता कहाँ है, मुझे इसी वक्त बात करनी है। मुझे नहीं पता, ताई किसी को बिना कुछ कहे बस कहीं चली गई है। इनफैक्ट मुझे खुद चिंता हो रही है कि ताई कहाँ है, कैसी है। देखो मानसी, अगर तुम जानती हो अंकिता कहाँ है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। या तो वो नरेन के साथ रह ले या फिर मुझे चैन से जीने दे। मानसी देखो मेरी तरफ, आज मेरी शादी की पहली रात है और मेरा पति जेल में सड़ रहा है, और मैं यहाँ दुल्हन का जोड़ा पहने अपने मायके में आई, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मुझे बताओ अंकिता कहाँ है। मेरे ख्याल से वो पुणे में होगी, पुणे में नर्सिंग होम है, शुषा नर्सिंग होम। वो
वही जाने वाली थी। इनफैक्ट शादी की पहले ही प्लान कर रही थी, लेकिन सबने इंसिस्ट किया इसलिए वो रुक गई। आई गेस वो पुणे में ही होगी। शशांक हमें चलकर देखना चाहिए, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। हाँ चलो। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा। मैं जाके पहले अंकिता से बात करूं, फिर आप सब अंकिता से मिल सकते। तुम बात करोगी परी, ताकि फिर से तुम ताई को कुछ उल्टा सीधा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं किसी का प्यार या किसी का हक छीनना नहीं चाहती। मैं नरेन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहती, ना अंकिता पर और ना नरेन पर। Excuse me. Yes. मेरा नाम रजिस्टर है यहाँ पर, आप चेक करेंगे? मैं चेक करती हूँ। क्या नाम है आपका? अंकिता। और आपके पति, वो आए हैं आपके साथ? जी नहीं, वो नहीं है। वेट, मैं चेक करती हूँ। घर चलेंगे, अपने बेबी का वेलकम करना है, तो उसके लिए बलून्स खरीदने हैं, टॉयज खरीदने हैं, रूम डेकोरेट करना है, सब कुछ करना है। आना जी। और हाँ एक मिनट, रास्ते में हॉस्पिटल आएगा ना, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करा दूंगा। उसके बाद नर्स को भी बोल दूंगा, 24 आवर्स नर्स तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तो रहूंगा ही, एक नर्स भी रहेगी, ताकि तुम्हारा ख्याल हमेशा कोई ना कोई रखता रहे। तुम ठीक हो? हाँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे तुम बैठो, पानी मैं लेके आता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपकी सेवा करने को आया हूँ। हैं? अरे डॉक्टर जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। वो मेरी वाइफ की रिपोर्ट आ गई। जी हाँ, आपकी वाइफ और आपका बच्चा दोनों ही अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। तुम बैठो। आई डोंट बिलीव इंस्पेक्टर, इस आदमी की कंप्लेन की वजह से आपने मुझे यहाँ बिठा के रखा। वाह, चकल देखिए ये आदमी की। हुआ हमारी बेटी को धोखा दिया, यहाँ आपके सामने मासूम चेहरा बना रही। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो कहाँ छोड़ा हमारी बेटी को? हुआ कोनो और के साथ? बहुत घिनौना आदमी इंस्पेक्टर साहब। ही डालिए इनको अंदर जेल में, सरेगा तो अक्कल ठिकाने आएगी इनकी। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, फिर शराब पी कर आयो? डिस्गस्टिंग। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी शराबी है, क्या आप इनकी नॉनसेंस पर विश्वास करेंगे? असलियत ये है कि इनकी बेटी अपना फायदा बहुत अच्छी तरह समझती है। मेरे बेटे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो इनकी बेटी ने सिर्फ पैसों की खातिर मेरे बेटे से शादी की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब मेरा बेटा नॉर्मल हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएगा, जो कि हुआ। और इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरा बेटा किसी भी और लड़की से शादी कर सकता है। इनकी बेटी के सिग्नेचर्स हैं इस पे, आप खुद देखिए। क्या इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं ये लोग? सबके सब मिले हुए हैं ससुरे, हमारी बेटी गरीब है तो सब ठग रहे हैं उनको मिलके। चाल समझिए इनकी। देखिए मिस्टर मात्रे, इसमें नरेन की कोई गलती नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, और इसके मुताबिक अब आपकी लड़की का ना तो नरेन के ऊपर और ना ही इसकी घर गृहस्थी पर कोई अधिकार है। ये क्या कह रहे हैं? शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल है का? ये कागज में दस्तखत किया और मामला खत्म? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए मिस्टर मात्रे, इसमें साफ साफ लिखा है कि अब आपकी लड़की का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अब नरेन कभी भी किसी भी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि जॉनी कागज में लिखा है सही लिखा है, लेकिन क्या ई में ई लिखा है कि ई आदमी जॉन है वो हमारी बेटी का फायदा उठा सकता है, हमारी बेटी को माँ बना सकता है, और जब वो माँ बन जाएगी तो अपनी बेटी बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ई लिखा है ई में। देखिए मिस्टर करमरकर, इसमें ऐसा कोई क्लॉज तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ऐसा कोई है तो प्लीज आप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इस क्लॉज की कोई जरूरत है ही नहीं। हम मानते हैं कि अंकिता प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बच्चा नरेन का नहीं किसी और आदमी का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद बोल चुकी है। एग्जैक्टली, अंकिता ने पूरी शादी में हजार लोगों के सामने ये बात खुद कबूल की है।
आप चाहें तो हम उन लोगों को यहाँ बुला सकते हैं गवाही के लिए, आप चाहें तो वो शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कुछ भी, इट्स ऑल अवेलेबल टू यू। दिस मैन इज अ ड्रंकर्ड, ये सारा टाइम नशे में धुत रहता है, ये पहली बार नहीं है जो ये इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। मैडम जी, हम जानते हैं कि हम नशे में धुत रहते हैं, जुआरी है, लेकिन एक बाप है हम। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सिर्फ धोखा कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हम आपके जज्बातों को समझ सकते हैं, लेकिन कानून जज्बातों से नहीं सबूतों से चलता है। ऐसा कोई सबूत है आपके पास कि अंकिता के पेट में जो बच्चा है उसका पिता नरेन ही है? क्या आपने कोई मेडिकल टेस्ट करवाए? अब तक नहीं करवाया, तो करवा लीजिए, सारे टेस्ट प्रूफ मिल जाए। मैं जानता हूं कि अंकिता का, एक्सक्यूज मी, आपका रूम नंबर है 106, आप जाइए, मैं किसी नर्स को भेजती हूँ। परी, तुम यहाँ कैसे, और वो भी इस हालत में? तुम मैं यहाँ अपने पति के लिए आई हूँ, आज मेरी शादी तो हो गई, लेकिन तुम्हारा साया अभी भी उसके पीछे। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? नरेन आज जेल में है अंकिता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नरेन से, अरे नरेन से जेल, क्या हुआ, कैसे? क्या ये बच्चा नरेन का है? अंकिता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ये मेरी और नरेन की जिंदगी का सवाल है, प्लीज अब झूठ मत बोलना। ये नरेन का बच्चा है? कितना, मुझे जवाब दो। देखो, ये मंगलसूत्र पहने हुए मुझे कुछ घंटे भी नहीं हुए, अभी भी वक्त है, तो मुझे बस एक बार कह दो, ये बच्चा नरेन का है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। I swear, मैं इसी वक्त ये उतार कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। कितना, मुझे किसी का दिल तोड़ कर, किसी का हक छीन कर अपना घर नहीं बसाना। अगर ये सिंदूर, ये चूड़ियां, ये सब कुछ तुम्हारे हिस्से की है ना, तो ये तुम्हें ही मिलेंगी, मुझे ये सब नहीं छीनना। बस तुम मुझे सच बता दो, क्या ये बच्चा नरेन का है? जवाब दो अंकित। आज मेरी और नरेन की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, मैंने बहुत सपने देखे, लेकिन उनमें से एक भी सपना पूरा नहीं होगा जब तक तुम सच्चाई नहीं बताओगे। ऐसे तो ना नरेन, ना मैं, ना तुम, कोई खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज मुझे सच्चाई बताओ अंकिता, मैं वादा करती हूँ, अगर यही सच्चाई है तो मैं हट जाऊंगी तुम्हारे रास्ते, तुम्हें हर हक दिलाऊंगी, नरेन का प्यार दिलाऊंगी, बस तुम मुझे एक बार बता दो। तुम अपना प्यार मुझे कैसे दे सकती हो परी? वो प्यार तुम्हारा है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। नरेन और परी एक दूसरे से प्यार करते, खास तौर से नरेन। नरेन अपनी आहना से बहुत प्यार करता है, और उनकी आहना तो तुम ही हो। और परी, जब नरेन सर और मैं एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो हमारा एक होना मुमकिन ही नहीं है, तो इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। परी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम नरेन सर के साथ बहुत खुश हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते, और मैं जानती हूँ कि तुम भी उनसे बहुत प्यार करती। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई, पता है क्यों? मैं तुम्हें शादी का तोहफा देना भूल गई थी ना, मैं ऐसी चली आई, और अब मैं तुम्हें तोहफा दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी या मेरे बच्चे की वजह से तुम्हारे और नरेन की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई प्रॉमिस। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ परी, बहुत दूर।
मैं कभी तुम लोगों के सामने भी नहीं आऊंगी। Wish you a happy married life. और एक और बात, अपना मंगलसूत्र किसी और को देने की बात भी कभी मत करना परी, क्योंकि इसके क्या मायने हैं ये शायद तुम नहीं जानते। ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये वो वादा है जो पति पत्नी एक दूसरे से करते, हमेशा साथ रहने का वादा जो अब तुम्हें निभाना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। ऑल द बेस्ट नरेंद्र का ख्याल रखना।